कहानी की शुरुआत होती है साल 2210 में, जहां इंसानों ने विज्ञान में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। एओन नाम की एक कंपनी ने ऐसी तकनीक खोज निकाली थी जिसके जरिए लोग अपनी उम्र से कुछ समय किसी और को दे सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उनका डीएनए एक होना चाहिए। जिन लोगों को पैसों की जरूरत थी वो अपनी जिंदगी के कुछ साल बेचकर पैसे कमा सकते थे, पर ऐसा करने से वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। दूसरी ओर खरीदने वाले फिर से जवान हो जाते। इसके बाद हम कंपनी के मैनेजर मैक्स को देखते हैं, जो अक्सर लोगों के पास जाकर उन्हें अपने साल बेचने के लिए उकसाता था। आज उसने एक 18 साल के गरीब लड़के को अपने 15 साल बेचने की सलाह दी, ताकि उसका परिवार गरीबी से बाहर आ सके। मैक्स ने कहा कि उसने खुद भी अपनी जिंदगी के 5 साल बेचकर कॉलेज की फीस भरी थी। पहले तो उस लड़के ने इनकार कर दिया, क्योंकि 15 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन चालाक मैक्स ने उसे 70 लाख यूरोस का लालच देकर अपने झांसे में फंसा ही लिया। इसके बाद मैक्स कंपनी के ऑफिस गया, जहां कई लोग एओन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मैक्स छिपकर भीड़ से निकला और ऑफिस के अंदर घुस गया। ऑफिस में एक शानदार प्रोग्राम चल रहा था। आखिर में कंपनी की बॉस सोफी स्टेज पर आई और उसने मैक्स को कंपनी के बेस्ट एजेंट का अवार्ड दिया। फिर सोफी ने ऐलान किया कि उन्होंने 15 वैज्ञानिकों को 15 साल दान करने का फैसला किया है, ताकि वो इंसानों की प्रगति के लिए और काम कर सकें। इसके बाद एक बिल्डिंग में इन वैज्ञानिकों का जीवन बढ़ाने की तैयारियां चल रही थी, पर अचानक एक आदमी ऑफिसर का भेष बनाकर अंदर घुसाया और उसने कई लोगों को गोली से उड़ा दिया। फिर उसने दीवार पर एक निशान बनाया और वहां से भाग निकला। बाद में खुलासा होता है कि आदमी एडम ग्रुप से था, जो इसी तरह हमले करके एओन को गरीब लोगों की जिंदगी के कुछ साल लूटने से रोकने की कोशिश करता था। उधर सोफी ने अपने बॉडीगार्ड्स काया और नोवैक के साथ एक वीडियो देखी, जिसमें एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ ने उन्हें धमकी देकर कहा था कि अगर वो अब भी नहीं रुके तो आगे और हमलों के लिए तैयार रहें। उधर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड एलेना के साथ अवार्ड मिलने का जश्न मना रहा था। फिर अगले दिन एलेना उसे अपने माँ बाप से मिलवाने ले गई। उन्हें भी मैक्स काफी पसंद आया, लेकिन शाम को जब वो घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को खरीदने का वो सपना देख रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने जलकर धुआं धुआं हो गया था। इसी के साथ उनका सारा सामान और पैसा भी जलकर राख हो गया। खैर, अगले दिन वो इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान के पैसे लेने गए, लेकिन कंपनी वालों ने कहा कि वो घर से निकलने से पहले मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे, इसीलिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसमें कंपनी वालों की गलती थोड़ी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बैंक का कर्ज कैसे उतारा जाए। और तब एलेना ने मैक्स को बताया कि उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। मैक्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। खैर, अब उसने अपनी जिंदगी गिरवी रखकर कर्ज भरने का फैसला किया, लेकिन मैक्स का डीएनए किसी ग्राहक से नहीं मिलता था, इसीलिए बैंक ने इससे इनकार कर दिया। मैक्स ने कहा कि उसने तो पहले भी कुछ साल बेचे थे, लेकिन बैंक कहने लगा कि जिसे मैक्स ने अपना समय बेचा था वो इंसान अब मर चुका है। इसके बाद जब वो वहां से बाहर निकले तो पुलिस ने तुरंत एलेना को गिरफ्तार कर लिया, ताकि वो देश छोड़कर भाग न सके। आखिरकार मैक्स ने किसी और तरीके से बैंक का कर्ज चुकाने की ठान ली। वो तुरंत अपनी बॉस सोफी के पास पहुंचा। उसने सोफी को सारी बात समझाई और सोफी उसकी मदद करने को राजी हो गई, लेकिन फिर जल्द ही सोफी ने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। अब मैक्स के पास कोई चारा नहीं था और बैंक ने एलेना की जिंदगी से 40 साल निकालने का फैसला किया। मैक्स बहुत परेशान हो गया और वो ऑपरेशन से पहले एलेना से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन स्टाफ ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि वो ऑपरेशन के बाद ही उससे मिल सकता है। ये सुनकर मैक्स गुस्से से भर गया और अचानक भागकर एलेना का कमरा ढूंढने लगा, लेकिन जल्द ही काया और उसकी टीम ने उसे पकड़ लिया। उधर एलेना को ऑपरेशन के वक्त एक वकील ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर एलेना आपे से बाहर हो गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी के 40 साल निकालकर साथ के कमरे में मौजूद एक इंसान को दे दिए गए। आखिरकार ऑपरेशन के बाद मैक्स एलेना को घर वापस ले आया। अब वो काफी बूढ़ी दिखने लगी थी। बेचारे मैक्स का सपना था कि उसके साथ एलेना के बच्चे होंगे, लेकिन अब ये भी नामुमकिन था और जल्द ही उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मैक्स ने उसे सहारा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलेना ने खुद को सबसे दूर कर लिया। फिर एक दिन मैक्स को कंपनी से फोन आया और पता चला कि उसकी प्रमोशन हो गई और तनख्वाह भी बढ़ा दी गई है, लेकिन मैक्स की नजर में अब इसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसने गुस्से में आकर सोफी से बात करने की कोशिश की, लेकिन काया बीच में आ गई और सोफी उसे अनदेखा करके चली गई। पर अचानक मैक्स को एहसास हुआ कि सोफी पहले से काफी जवान दिख रही थी।
खैर घर लौटकर उसने एलेना के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारने की कोशिश की और उससे वादा किया कि वो एलेना के 40 साल वापस दिला कर रहेगा। कुछ देर बाद एलेना के पेट में जोरदार दर्द होने लगा और उसका कुछ खून भी बह रहा था, तो मैक्स उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। जब डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि ऑपरेशन से पहले एलेना प्रेग्नेंट थी, पर अचानक ही उसके बूढ़े हो जाने से उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। इससे एलेना और मैक्स दोनों का दिल चकनाचूर हो गया और आखिरकार एलेना ने अपने माँ बाप के साथ रहने का फैसला किया। अब मैक्स एकदम अकेला हो चुका था और तन्हाई में वो एक पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो सिगरेट पीते हुए ड्रग्स बेच रही थी। मैक्स उसे देखते ही समझ गया कि ये कोई बड़ी लड़की है जो समय खरीद कर बच्ची बन गई थी ताकि वो गैर कानूनी काम कर सके। अब मैक्स ने उसके पास जाकर पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि एओन कंपनी में तो बच्चों पर ही ऑपरेशन करना मना था। तब उस लड़की ने मैक्स को एक गैर कानूनी ग्रुप के बारे में बताया जो लोगों को जवान बनाने की सर्जरी काफी कम पैसों में करता था। मैक्स ने बिना समय गवाए एक खास फोन के जरिए उस ग्रुप से बात की तो उन्होंने मैक्स को नकली पासपोर्ट्स बनवाने के लिए खुफिया जगह का पता दिया। वहां उसे पता चला कि उस ग्रुप के पास जाने से पहले उसे ये पता करना होगा कि एलेना के 40 साल आखिर किस इंसान को मिले थे। बाद में मैक्स एक होटल में जाकर छिप गया और उसने सोफी को अगवा करने का प्लान बनाया। उसे शक था कि सोफी ने ही एलेना के साल चुराए थे। अब उसने अगले कुछ दिन तक सोफी की परछाई बनकर हर जगह उसका पीछा किया। आखिरकार एक जगह वो बिना गार्ड्स के थी तो मैक्स ने एडम ग्रुप के आदमी का फेस बनाकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने वहां एडम ग्रुप का निशान बनाया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसके बाद वो एलेना को एक सुनसान बिल्डिंग में लाया जहां उसने सोफी को बांध रखा था। एलेना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैक्स ने कहा कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। इसके बाद वो एक समुद्री जहाज में चढ़कर लिथुनिया की ओर निकल पड़े। उधर काया और नोवाक कैमरा फुटेज के जरिए किडनैपर को ढूंढने में लगे थे। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कंपनी के ही एक आदमी का काम है, तो वो भी उसे पकड़ने निकल पड़े। उधर जहाज में मैक्स ने सोफी को एक बक्से में बंद रखा था, पर वो सोफी को समय समय पर खाना पानी देता रहा। फिर शाम को उन्होंने एक परिवार और उनके बच्चों को देखा तो उनके सपने फिर जाग उठे। अचानक एक बच्चे ने दूर से अजीब सी लाइट्स देखी और जल्द ही मैक्स और एलेना समझ गए कि कंपनी ने लिथुनिया की पुलिस को खबर कर दी और अब पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। फिर मैक्स ने उस परिवार को मोहरा बनाकर बचने का प्लान बनाया। जब पुलिस जहाज से निकलने वाली गाड़ियों की जांच कर रही थी तो मैक्स ने उसे धमकी देकर डिलीवरी वाला बनने को कहा और खुद एलेना और सोफी के साथ पीछे छिप गया। आखिरकार वो पुलिस को चकमा देकर बच निकले, लेकिन एलेना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैक्स ने मासूम लोगों की जान खतरे में डाली। खैर जल्द ही वो उनकी वैन लेकर भाग गए, पर अचानक उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। तब सोफी ने अचानक ये खुलासा किया कि वो सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। मैक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि सोफी की एक बेटी थी जो कुछ साल पहले मर गई थी, पर मैरी ने कहा कि सोफी उसे एक आम जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए उसने दुनिया से ये बात छिपा कर रखी। मैक्स को अब भी उस पर शक था, इसीलिए वो मैरी को लेकर एक सुनसान जगह पर आ गया। मैरी ने दोबारा कहा कि वो सोफी नहीं है, उल्टा उसे तो खुद अपनी माँ की कंपनी का काम पसंद नहीं। पर मैक्स कहने लगा कि अगर ये सच है तो भी मैरी का डीएनए एलेना से मिल ही जाएगा, अब माँ बेटी का डीएनए तो सेम ही होगा ना। लेकिन एलेना को ये हरगिज मंजूर नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। उधर नोवाक और काया को मैक्स का पता चल गया था और वो तुरंत उस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए। लेकिन उससे पहले ही एडम ग्रुप के बॉस लिलिथ ने अपने साथियों के साथ एलेना को ढूंढ लिया। लिलिथ ने उन्हें बताया कि मैरी सच में सोफी की बेटी है। इसके बाद वो उन सबको एक सुरक्षित जगह पर ले आई और उन्हें सोफी का पूरा प्लान समझाया। असल में सोफी तो बहुत पहले एलेना की उम्र छीन कर जवान होना चाहती थी, पर फिर मैक्स और एलेना ने शादी कर ली, इसीलिए सोफी ने उनके घर पर आग लगवा कर मैक्स के डीएनए वाले आदमी को मार डाला। तभी मैक्स के फोन पर गैर कानूनी क्लिनिक का पता आया जो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए ही खुला था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें सोफी को मारने में लिलिथ की मदद करनी होगी। कुछ ही देर में काया ने अपनी टीम के साथ पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। तब मैक्स ने उन्हें बाहर जाकर धमकी दी कि सिर्फ सोफी ही बिल्डिंग के अंदर जा सकती है और अगर किसी ने भी चालाकी की तो अंदर एलेना मैरी को गोली मार देगी। ये सुनते ही सोफी ने तुरंत आगे आकर उसकी शर्त मान ली। तब काया ने पूछा कि मैक्स को कैसे पता कि सोफी उनके साथ आई है और वो तुरंत समझ गई कि ये कोई चाल है।
तभी अचानक एडम ग्रुप ने एऑन वालों पर गोलीबारी शुरू कर दी और वहां पर दोनों गुटों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में नोवैक और लिलिथ की मौत हो गई और वहीं मैक्स, एलेना और मैरी को गैराज में ले आया। तभी अचानक मैरी ने बंदूक उठाकर एलेना को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बंदूक बिल्कुल खाली थी। ये देखकर एलेना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने मैरी की जान को बख्शा था। उसने गुस्से में मैरी पर वार करके उसे बेहोश कर दिया और फिर वो तीनों एक गाड़ी में वहां से भाग निकले। आखिरकार वो गैर कानूनी क्लिनिक तक पहुंच गए और उन्होंने जबरदस्ती मैरी का ऑपरेशन करके उसके 40 साल छीन लिए। कुछ देर बाद मैरी एक ट्रक ड्राइवर को सड़क पर मिली और वो मैरी को शहर छोड़ाया। आखिरकार वो अपनी माँ सोफी से मिली, जो उस हमले में बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई थी। कुछ ही दिनों में मैरी तेजी से बूढ़ी होने लगी और अब सिर्फ सोफी ही उसे नई जिंदगी दे सकती थी। लेकिन सोफी इतनी खुदगर्ज निकली कि उसने अपनी बेटी को साल देने से मना कर दिया। आखिरकार मैक्स एक बीच पर एलेना से मिलने आया। अब वो पहले जैसी जवान और प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपने नए पति के साथ। दूसरी ओर मैक्स एडम ग्रुप में शामिल होकर सोफी की कंपनी को खत्म करके मासूमों की जान बचाने के मिशन में जुट गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।